वहीं शिरडी में दीपावली के त्योहार पर जाने वाले भक्त द्वारका बाई मंदिर में दिए जलाने से रहेंगे इस बार महरूम। भक्तों में इस बात से काफी नाराजगी है। एक खास रिपोर्ट। जहां दीपावली का त्योहार दिए का कहलाता है, लोग दिए जलाकर अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं, वहीं जहां शिरडी वाले साईं बाबा ने पानी से दिया जलाकर दिवाली मनाई थी और इसी परंपरा के अनुसार आज भी श्रद्धालु शिरडी के द्वारका माई मंदिर में दिया जलाकर दीपावली मनाते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से यहां आने वाले भक्त अपने इस आस्था से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि संस्थान ने मंदिर के अंदर दिए जलाने पर पाबंदी लगा दी है, जिससे भक्त द्वारका माई मंदिर में दिए जलाने से महरूम रह जाते हैं। तो बताया गया कि द्वारका माई में दीपक नहीं जलाए जा रहे हैं, उससे दत्ता मंदिर के पास जलाए जा रहे हैं। आप कितने सालों से आते हो जी? आप कितने सालों से दिवाली में आते हो सर? साई की दिवाली हम पहली बार आए हैं। द्वारका माई में हम लोगों को दिए जलाने के लिए एंट्री नहीं है, ये संस्थान की तरफ से लगाते हैं और आम आदमी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने यहाँ पे परमिशन दी है। दिए मंदिर में न जला पाने पर भक्तों में खासी नाराजगी भी बनी हुई है। भक्तों का कहना है कि जब साईं बाबा ने द्वारका माई मंदिर में पानी से दिए जलाए तो हम उसी आस्था से यहां दिए जलाने आते हैं। दुख की बात आज तक यही नजर आती है कि जब बाबा थे तो उन्होंने बगैर तेल के दियो के अंदर पानी डाल के दिए जलाए द्वारका माई में, मस्जिद माई में। आज वही द्वारका माई सुनी पड़ी हुई है, ये समझ नहीं आता उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन हो सकता है मे बी सिक्योरिटी रीजन है, लेकिन फिर भी हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आज द्वारका माई को हम प्रकाश से जगमगाएं। और बाबा की एक जो बाबा ने क्रम चलाया था, बाबा ने जो अपना सिस्टम चलाया था, उस सिस्टम को जिंदा रखें। वहीं जहां संस्थान ने मंदिर में दिए जलाने पर पाबंदी लगा रखी है और सुरक्षा का हवाला दिया है, इससे लोग अपनी आस्था से महरूम रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज़।